का विचार कर तर्क वितर्क के पश्चात तीनों असुर शिव आराधना का निश्चय करते हैं। उधर ब्रह्मा द्वारा प्रताड़ित होकर देवराज देवगण के साथ लौटते हैं, तो मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद मिलते हैं। नारायण नारायण नारायण। अरे आश्चर्य है, घोर आश्चर्य। नयनाभिराम नृत्य और सुमधुर संगीत से जहां का वातावरण मंत्रमुग्ध करता था, उसी स्वर्ग में आज नीरव निस्तब्धता है, सन्नाटा और शांति है। नहीं नहीं, ये नीरवता स्वर्गलोक को शोभा नहीं देती, भली नहीं लगती। नारायण नारायण। देवराज, इस भांति यदि आप मुंह लटकाए खड़े रहेंगे तो भविष्य और भविष्य में आने वाले सुख दोनों ही लटक जाएंगे। इस समस्या से निपटने के लिए कुछ न कुछ उपाय अवश्य करना ही होगा। कितने उपाय करें देवर्षि, कितने? ब्रह्मदेव के पास गए तो उन्होंने प्रताड़ित किया, आपका परामर्श मानकर भगवान शिव के पास गए तो वो भी क्रुद्ध हो गए। असुरों का पक्ष तो प्रबल होता ही जा रहा है। हमारी बुद्धि कार्य नहीं कर रही है, अब आप ही समझाइए कि क्या करें और कहां जाएं। भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाएं, वहां जाकर भी क्या होगा? जब ब्रह्मा जी ने और शिव जी ने प्रताड़ित किया है तो वो भी यही करेंगे। नारायण नारायण। इसलिए मैं कहता हूँ देवराज कि आप व्यावहारिक बुद्धि से काम ना करके भावना में बह जाते हैं, इसलिए फिर आपको कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। वो कैसे? स्थिति, घटनाओं और आंकड़ों का यदि आप विश्लेषण करेंगे तो ये सत्य सामने आएगा कि असुरगण परमपिता ब्रह्मा जी और शिव जी को प्रसन्न करके उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं, किंतु उनके लिए भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करना सरल नहीं है, क्योंकि वे उन्हें अपना प्रबल शत्रु मानते हैं। क्योंकि जब भी धरती पर असुर शक्ति की वृद्धि हुई, भगवान श्री हरि विष्णु उनका नाश करने वहां गए। इसलिए उत्तम यही होगा कि आप भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाएं और इस समस्या का उपाय पूछें। मैंने आपको मूल मंत्र दे दिया है, अब आपकी जो इच्छा सो करें। नारायण नारायण नारायण। देवराज, देव ऋषि ने अक्षरक्ष सत्य कहा है। उन्होंने एक विराट सत्य का उद्घाटन किया है कि असुर श्री हरि विष्णु को सरलता से प्रभावित नहीं कर सकते और उन्हें अपना शत्रु मानते हैं। अब हमें अविलंब उनकी शरण में जाना चाहिए ताकि तारक पुत्रों का प्रभाव कम कर सके। हम श्री हरि विष्णु के पास अवश्य जाएंगे। जग पालन करता श्री हरि विष्णु की जय हो। विष्णु प्रिया माता लक्ष्मी की जय हो। कहो देवराज, आज इस ओर कैसे आगमन हुआ? श्री हरि, देवर्षि नारद की प्रेरणा से आए हैं यहाँ। क्या कोई विशेष प्रयोजन है? श्री हरि, आपकी शरण में विशेष प्रयोजन से ही आए हैं। प्रयोजन तो कहें देवराज। तारक पुत्रों के आतंक ने शांति भंग कर रखी है, वो दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होते जा रहे हैं। उन्हें ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है, अब तो वो शिव आराधना भी करने लगे हैं। ब्रह्मदेव के पश्चात अब वो शिव के भी प्रिय हो गए हैं। आपको भय है देवराज, कहीं अब वो मेरे भी प्रिय ना हो जाए? भय का भाव तो विस्तार पा रहा है प्रभु, स्थितियां ही प्रतिकूल हैं। स्थिति को अनुकूल बनाए देवराज, भय भाग जाएगा। भगवान, वो कैसे होगा? असुरों की शक्ति को क्षीण करके। शक्ति क्षीण करके? उनकी शक्ति क्षीण कैसे होगी प्रभु? धर्म भ्रष्ट करके,
और उन्हें शिव भक्ति से विमुख करके यही एकमात्र उपाय है तारक पुत्रों को शक्तिहीन करके उनका वध करने का। भगवान श्री हरि विष्णु ने तारक पुत्रों को धर्म भ्रष्ट करके उन्हें शिव भक्ति से विमुख करने के लिए कहा है, परंतु ये नहीं बताया कि ये होगा कैसे। ये तो देवराज श्री हरि विष्णु से उसी समय पूछना था। कैसे पूछते, उन्होंने तो उपाय बताकर अपनी आंखें ही बंद कर ली, समाधिष्ट हो गए। देवर्षि नारद इस समय यहाँ होते तो ये समस्या पैदा ना होती। नारायण नारायण, मैं तो सदैव आपके साथ हूँ देवराज इंद्र, परंतु आप किस समस्या पर चर्चा कर रहे हैं? देवर्षि, भगवान श्री हरि विष्णु ने तारक पुत्रों को धर्म भ्रष्ट करके उन्हें शिव भक्ति से विमुख करने के लिए कहा है, परंतु ये नहीं बताया कि ये होगा कैसे। नारायण नारायण, देवराज क्या आपने चिंता को अपनी प्रेयसी बना लिया है? देवर्षि ये क्या कह रहे हैं आप? क्या मैं असत्य कह रहा हूँ देवराज? देवराज जब देखो तब आप चिंता से और चिंता आपसे चिपकी रहती है। नारायण नारायण, मेरी सुनो देवराज, इस चिंता का संग त्याग दो। मैंने उसे अपनाया नहीं है देवर्षि, प्रतिकूल परिस्थिति के गर्भ से उत्पन्न होकर मेरे मस्तक पर आ बैठी है, परंतु आप हमें उपाय बताएं कि तारक पुत्रों को किस प्रकार। उपाय माता सरस्वती बताएंगी, आप आइए मेरे साथ। नहीं, हम ब्रह्मलोक नहीं जाएंगे देवर्षि, क्योंकि वहां हमें प्रताड़ना के अतिरिक्त अन्य कुछ प्राप्त नहीं होगा। फिर वही चिंता। परंतु चिंता का कारण भी तो है देवर्षि। नारायण नारायण, देवराज परंतु मैं भी तो हूं आपके साथ। पुत्र के पास पिता को लेकर जाए तो साथ फलदायी और सार्थक होता है। आप ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैं, पुत्र को साथ लेकर पिता के पास जाएंगे तो पुत्र और पुत्र के साथी सभी प्रताड़ित होंगे। इसीलिए देवर्षि हम ब्रह्मलोक नहीं जाएंगे। देवराज आपको अपना कार्य भी पूर्ण करना है और संकोच भी करना है, भला ये दोनों कार्य एक साथ कैसे हो सकते हैं? नारायण नारायण, आपके मार्गदर्शन में दोनों क्या तीन तीन कार्य पूर्ण हो सकते हैं देवर्षि? आज आप सप्तम सुर में बोल रहे हैं देवराज तो उचित है, आप सभी के हित के लिए ये कार्य मैं अकेला ही पूर्ण करूंगा। हम सब आपके आभारी रहेंगे देवर्षि। आभारी तो कार्य पूर्ण होने पर रहना देवराज, इस समय तो चिंता से भारी रहना त्याग दें। नारायण नारायण। प्रणाम माता। आओ नारद, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। मेरी प्रतीक्षा किस लिए माता? तुम्हें परामर्श देने के लिए। नारायण नारायण, अर्थात आपको इस बात का ज्ञान था कि इस कार्य के लिए मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्यों नहीं होगा ज्ञान, ज्ञान और विद्या की देवी कहलाती है। तुम भी तो यही मानकर आए हो कि देवराज इंद्र की वो समस्या जो भगवान विष्णु के कहने से उलझ गई है, मेरे पास आकर उसका समाधान हो जाएगा। नारायण नारायण, आश्चर्य घोर आश्चर्य, परंतु सुखमय, ज्ञान की देवी को सब कुछ ज्ञात हो गया, नारद का कार्यभार कम हो गया। कम नहीं हुआ, बढ़ गया है। वो कैसे माता? नारद, किसी को धर्म भ्रष्ट करना तो महापाप है ही, पर धर्म भ्रष्ट करने की बात भी सोचना अधर्म है। अर्थात भगवान विष्णु ने हमें पाप और अधर्म का मार्ग बताया है। नहीं नहीं, मैं ऐसा कहने की धृष्टता कदापि नहीं कर सकती, वे हमारे लिए पूजनीय हैं।
परंतु आप तो पाप और अधर्म की बात की बात। मैं एक सामान्य सत्य कह रही थी कि अकारण धर्मनिष्ठ को धर्म भ्रष्ट करना अधर्म है। अर्थात जो धर्म भ्रष्ट है उसे धक्का देने में कोई पाप अथवा अधर्म नहीं है। आसुरी भाषा क्यों बोलते हो नारद? संगत का परिणाम है माता, संगत का परिणाम है। क्या करे, असुरों के पास आना जाना लगा ही रहता है। भगवान विष्णु का संकेत भी आसुरी वृत्ति की ओर ही था। असुर धर्म को मानते हैं अपने अधर्म को ढकने के लिए। वे शिव भक्ति धर्मवश नहीं स्वार्थवश कर रहे हैं। कितनी भी भक्ति कर ले पर अपनी आसुरी वृत्ति कभी नहीं त्याग सकती। ना त्यागे आसुरी वृत्ति, परंतु धर्म वृत्ति कैसे त्यागेंगे आप मुझे ये बताएं। नहीं नारद, धर्म वृत्ति त्यागने की चर्चा किसी के भी हित में नहीं होगी। इसीलिए अपने प्रश्न को व्यवस्थित करो और पूछो कि असुर धर्म वृत्ति को कैसे त्यागेंगे। मेरा अभिप्राय भी यही है। धर्मात्माओं को बाधा पहुंचाने की कल्पना तो मैं भी नहीं कर सकता। नारद, तुम तो तीनों लोकों में भ्रमण करते हो। तुमने तो स्वयं ही इस सत्य को देखा और जाना होगा कि भोग विलास और ईश्वर द्रोह में लिप्त रहने वाले धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसे प्राणी काम और क्रोध की वशीभूत होकर हिंसा तथा अत्याचार की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। मैं आपका संकेत समझ गया माता, अब मुझे आज्ञा दे। नारायण नारायण। चिंता करने से क्या होगा स्वामी, देव ऋषि हमारे शुभ चिंतक हैं। समस्या का समाधान लेके वो आते ही होंगे। हाँ देवराज, श्री हरि विष्णु की कृपा हमें प्राप्त, चिंता का कोई कारण नहीं। नारायण नारायण। देव गुरु आपने उचित कहा, चिंता का कोई कारण नहीं है। माता सरस्वती ने हम सभी के लिए मार्ग सुलभ कर दिया है। ये ज्ञान मुझे था परंतु मैंने उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। मूल विषय पर आए देवर्षि। धैर्य रखे देवराज, धैर्य रखे। वही करने गया था और वही करने आया हूँ। असुरों को धर्म भ्रष्ट करने के लिए और शिव भक्ति से विमुख करने के लिए उन्हें भोग विलास की ओर उन्मुख करना होगा। भौतिकवादी और विलासी ईश्वर द्रोही भी हो जाता है देवराज। ये दो अवगुण राक्षसों को धर्म भ्रष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। अर्थात जिस प्रकार ऋषि मुनियों का तप भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा गया था, उसी प्रकार अप्सराओं को उन तीन असुरों के पास भेजना पड़ेगा। उन तीनों को शिव भक्ति से हटाने का एकमात्र उपाय यही है। क्यों देवर्षि, हमें वहां अप्सराओं को भेजना चाहिए ना? यदि यही एकमात्र उपाय है तो अवश्य भेजना ही चाहिए। मेनका, रंभा। नारायण नारायण। आज्ञा करे देवराज, कैसे स्मरण किया स्वर्गाधिपति? मेनका और रंभा, तुम दोनों को नृत्य एवं संगीत द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति करनी होगी। नृत्य संगीत? नृत्य संगीत को तो आपने निषेध किया है देवराज। हाँ, उस समय परिस्थिति वैसी थी, परंतु अब परिवर्तन हुआ है। तुम दोनों को तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली के समक्ष जाकर उत्तेजक नृत्य प्रस्तुत करना होगा। उन असुरों के समक्ष? फिर तो हमारा जीवित लौटना ही नहीं होगा। ऋषि मुनि का तप भंग करना हो तो हम अवश्य जाएंगे। वे अधिक से अधिक श्राप ही देते हैं, पर असुरगण तो वे प्राण ही ले लेते हैं। इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। एक आवश्यक लक्ष्य की पूर्ति के लिए तुम दोनों को वहां जाना है। वो तीनों शिव भक्ति में लीन है, उन्हें शिव भक्ति से विमुख करना है। देवराज, भक्ति में डूब चुके भक्त क्या भक्ति से विमुख होंगे? रंभा, ये भक्ति सदाचारी भक्तों की नहीं, दुराचारी असुरों की है। कितने समय तक दूर रह सकेंगे अपनी तामसिक वृत्ति से वो? तुम दोनों के रूप यौवन का आकर्षण
उन्हें शिव भक्ति से विमुक्त करने में सहायक होगा। और फिर देवराज तुम्हें ऐसे कार्य में तो संलग्न नहीं करेंगे जिसमें प्राणों की हानि का अंदेशा हो। भयग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है, निर्भय होकर जाओ और उन तीनों का तप भंग करके इंद्रलोक में लौट आओ। आपकी आज्ञा शिरोधार्य। महारुद्र, 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 सैनिकों। आज्ञा स्वामी। देवताओं की इन षड्यंत्रकारी अप्सराओं को स्वर्णपुर के बाहर ढकेल दो। जैसी स्वामी की आज्ञा। ले जाओ। महारुद्र। अरे ये तो अप्सराएं हैं। हाँ मैं इनको रंभा लगता है उन दुष्ट तारक पुत्रों ने इन्हें। रंभा मेनका शांत हो जाओ। शांत शांत हो जाओ रंभा। मेनका शांत हो जाओ। हाँ शांत हो जाओ। आओ स्वर्गलोक चलें। देवराज देवराज देखिए ये क्या हो गया। हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि हमें वहां न भेजिए। आपकी आज्ञा के कारण हमें अपने प्राण संकट में डालने पड़े। यदि अग्निदेव और वरुण देव वहां न होते तो न जाने हमारी क्या दुर्गति होती। उन्हें ये ज्ञात हो गया है देवराज कि आपने ही हमें भेजा था। अब उनका क्रोध तो आप पर बरसेगा। तुम दोनों जाकर विश्राम करो। बताएं गुरुदेव अब हमें क्या करना चाहिए। पुनः भगवान श्री हरि विष्णु के शरण में जाने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है देवराज।